Audio Jungle. हमारे इलाका जो सीलमपुर बयाली से वार्ड आता है, इसमें कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। हमारे इलाके में हजन शकीला अफजाल निगम पार्षद है, उनके पति हाजी अफजाल जो मकोका के सबसे पहले सजा याफ्ता है और जिन्हें केजरीवाल ने अपनी पार्टी में शामिल करके खुद पट्टा पहनाया, वो इंसान कल हमारे एक कांग्रेसी नेता के साथ में मारपीट करता है और वो ये कहता है कि मेरे इलाके में कोई भी इलाके के अंदर गलत काम के बात नहीं करेगा। यहाँ जब तक मैं निगम पार्षद रहा हूँ, मैं जब तक कोई गलत काम नहीं बात करने होने दूंगा। उसके ऊपर मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की, उसके विरोध के लिए हमने बताया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि ये बात सब लोगों तक पहुँचे कि एक आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाला, इतिहास रखने वाला, आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाला आदमी, एक मकोका का सजा याफ्ता आदमी, एक पुराना बदमाश, एक पुराना हिस्ट्री शीटर किसी नेता के ऊपर कैसे हाथ छोड़ सकता है और कैसे उसके साथ जो है जान से मारने की कोशिश कर सकता है। वजह थी, हमने 26 जनवरी को एक प्रोग्राम किया था, हम सब लोग उसमें मौजूद थे। हमने प्रोग्राम एक किया, उसमें हम लोगों ने बात रखी कि इलाके के माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, खुलेआम नशा बिक रहा है, खुलेआम लोग नशा कर रहे हैं, नशे की वजह से हजारों मासूम लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, नस्लें बर्बाद हो रही है। उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ बात की थी और बदमाशी के ऊपर बात की थी, जो कि क्योंकि ये लोग खुद वहाँ पर 10 सालों से गद्दी पे है, इलाके के जिम्मेदार लोगों में से है, नेता है, इलाके के नेता है, तो इलाके की नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस काम को बंद कराता। उसने बंद नहीं कराया, इस वजह से वो जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आया। देखिए, मेरा एक मानना है, मैं अगर अपने घर का जिम्मेदार हूँ तो मैं अपने घर में कोई गलत काम कैसे होने दूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ होने दूंगा, मैं अपनी नस्लों के साथ कैसे खिलवाड़ होने दूंगा। मेरे घर में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे रोकने के लिए मैं क्या कोशिश नहीं करूंगा। इसी तरीके से इलाके का जो जिम्मेदार होता है वो इलाके का नेता होता है, उसे 50,000 लोगों ने चुन करके भेजा हुआ होता है। जब वो इलाके का जिम्मेदार नेता है, उसका काम था कि अगर कोई गलत काम हो रहा था उसे रोकने का, उसका काम था कि अगर इलाके की नस्लें खराब हो रही थी, पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही थी, बच्चे नशा कर रहे थे, नशा खुलेआम बिक रहा था, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता। वो अपने हाथों से नहीं रोकना था, उसे प्रशासन से मदद मांगनी थी, उसे पुलिस से मदद मांगनी थी। अगर पुलिस उसकी मदद ना करती तो वो डीसीपी साहब से मदद मांग सकते थे, डीसीपी साहब उनकी मदद ना करते तो वो जॉइंट सीपी साहब से मदद मांग सकते थे, जॉइंट सीपी साहब अगर मदद ना करते तो वो कमिश्नर साहब से मदद मांग सकते थे, कमिश्नर साहब भी उसकी मदद ना करते वो मुख्यमंत्री के पास मदद मांगने जा सकते थे, वो धरना दे सकते थे, वो होम मिनिस्टर साहब के पास जा सकते थे, वो प्रधानमंत्री के पास जा सकते थे, क्योंकि वो हमारे इलाके के चुनिंदा नेता थे और वो 50,000 लोगों के चुने हुए नेता थे। वो 50,000 लोगों के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है, नस्लें खराब हो रही है, इलाके में पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी है, बच्चे नशा कर रहे हैं, अगर वो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं तो वो गुनाह, मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ उसका गुनहगार इलाके का जिम्मेदार था, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि ये बंद हो, या उसने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि मेरे बच्चे स्कूलों में जाए, नशा ना करें। अगर वो कोशिश करता तो मेरे सामने लाओ कितनी कंप्लेंटें उन्होंने डीसीपी साहब के यहाँ दिए, कितनी कंप्लेंटें उन्होंने जॉइंट सीपी साहब के यहाँ दिए, कितनी बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है कि भाई मेरे इलाके में नशा क्यों बिक रहा है, मुख्यमंत्री के यहाँ कितनी बार गए हैं, नशे को लेकर के क्या लिखित में देकर गए, उसकी रिसीविंग दिखाइए मुझे। नशे का लेना देना उनसे नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नशा वो बेच रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, इलाके के 50,000 लोगों ने उन्हें जिम्मेदार बनाया, इलाके का नेता बनाया, और एक इलाके के नेता की जिम्मेदारी होती है कि इलाके में कोई गलत काम ना हो, उनके इलाके में कोई बच्चा बिगड़े ना, उनके इलाके में कोई बच्चा अगर नशा कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करे, उनके इलाके में अगर नशा बिक रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करे। वो रोकेगा खुद नहीं, वो प्रशासन से मदद मांग सकता है, लेकिन प्रशासन से मदद तब मांगेगा जब वो चाहेगा कि मेरे इलाके में माहौल सुधरे, वो जब चाहेगा कि मेरे इलाके की नस्लें सुधरे, जब वो मदद मांगेगा। कांग्रेस पार्टी का भावी प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरने जा रहा हूँ, और अब मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। इवन मेरी जान को खतरा है, कल मेरे एक दोस्त के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, हो सकता है आज मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला करा दिया जाए, हो सकता है उनके कोई समर्थक मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दे, हो सकता है मेरे समर्थकों के ऊपर जानलेवा हमला किया जाए। मीडिया के द्वारा
मैं सब लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ, एक किसी भी गुंडे बदमाश ने मेरा एक बाल भी उखाड़ने की कोशिश की, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पार्षद पति हाजी अफजाल होगा। ये मकोका का सबसे पहले सजा याफ्ता बदमाश है, ये हिस्ट्री शीटर है, ये 25 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर है, इसके परिवार के ऊपर 250 से ज्यादा मुकदमे हैं, और जाहिर सी बात है इतने बड़े मुकदमे बाजों से, इतने बड़े बदमाशों से, इतने बड़े हिस्ट्री शीटरों से हर आदमी डरता है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, और जो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है जैसे मेरे दोस्त रियाजुद्दीन राजू के साथ हुआ, हो सकता है कल मेरे साथ भी हो जाए।